लिमिटेड डिजाइनपुर में माय नेम इज शिवानी मिश्रा। आज आपको बताएंगे बैक ब्लाउज डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट और न्यू जो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा तभी मेरी कोई न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा तभी आपको डिजाइन अच्छी तरीके समझ में आएगी। तो देख लीजिए मैंने ब्लाउज को कट कर दिया है। मैं आपको इसका लेंथ दिखा देती हूँ। तो मैंने ब्लाउज की लेंथ 13 इंच रखी है। 3 इंच की गले की चौड़ाई देते हुए मार्किंग कर देंगे। तो मैंने जितना ऊपर की साइड 3 इंच की चौड़ाई दिया उतना नीचे भी देंगे। तो मैंने दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल में मार्क कर दिया। अब इसको हम बराबर कर लेते हैं। देख लीजिए स्ट्रेट लाइन से बराबर कर लिया है। अब गले की लेंथ का साइज लेंगे तो मैं गला जो है 10 इंच रख रही हूँ तो यहाँ से 10 इंच पे मार्क कर दूंगी। तो मैंने मार्क कर दिया है। अब इसको भी मैं बराबर कर देती हूँ। अब चलिए मैं गले के डिज़ाइन का देखिए मार्क कर रही हूँ। गले के डिज़ाइन की मार्किंग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर दी है। अब इससे जो है हम बराबर करते हुए 1 इंच पे और मार्क करेंगे। तो देख लीजिए वीडियो में मैं कहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ आपको वीडियो में दिख रहा होगा। तो मैंने मार्किंग कर दी है। अब इसको मैं बराबर कर लेती हूँ। अब जिस तरीके से मैंने बराबर करके दूसरा वाला मार्क किया सेम उसी जगह से देखिए मैं कट कर रही हूँ डिज़ाइन। तो मैंने यहाँ से गले को कट कर दिया है। मैं ब्लाउज का कपड़ा लेती हूँ और सेम उसी जगह से ब्लाउज के कपड़े को भी कट कर देंगे और वैसे ही गला कट करेंगे। तो मैंने ब्लाउज अस्तर के गले को बिल्कुल अच्छे तरीके से कट कर दिया। अब इसको चलिए स्टिच करती हूँ। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर रखते हुए सबसे पहले मैं गले को स्टिच कर देती हूँ। तो ये देख लीजिए मेरे गले को स्टिच कर रही हूँ। तो मैं किस तरीके से स्टिच कर रही हूँ आपको वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा, ऐसे आपको भी करना है। तो मेरा गला स्टिच हो चुका है। अब इस पर मैं कट्स लगा लेती हूँ। तो मैंने पूरे कट्स लगा दिए। अब इसको मैं उलट कर सीधा कर दूंगी। तो मैंने देखिए गले को सीधा कर लिया। अब इस पर एक सिलाई लगा लेते हैं, इससे मेरा गला बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा तो मुझे डिज़ाइन बनाने में आसानी रहेगी। तो मैंने देखिए गले को स्टिच कर दिया। अब इसकी ऑल राउंड स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हम पूरे ब्लाउज की सिलाई कर लेंगे। तो मैंने देखिए पूरे ब्लाउज की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर दी है, ये देख लीजिए। अब इसको हम डिज़ाइन को बीच में बनाने के लिए जो डिज़ाइन बनाया जाएगा वो लेंगे। तो मैंने जो अस्तर कट करके निकाला था गले में से और उसमें देखिए 1 इंच का जो मार्क वाला मेरा कपड़ा था उसको मैंने कट करके निकाल दिया है अस्तर को। अब इसी की सहायता से हम बकरम को कट करेंगे। तो ये देखिए मैंने बकरम ले लिया। अब इसको मैं डबल फोल्ड कर लेती हूँ और जो मैंने अभी अस्तर का ये पट्टी निकाली हुई है उसको मैं रख देती हूँ ये मेरे गले की भी अंदर की साइड की। अब दोनों साइड से मार्क करेंगे। दूसरे साइड से आप 1 इंच की जो है ले लीजिएगा और एक्स्ट्रा ले लीजिएगा बकरम। और इस जो फ्रंट साइड में इसको देखिए मैं बराबर ही ले रही हूँ तो आपको भी ऐसे ही लेना है और दूसरे साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा। तो ये देख लीजिए मैंने बकरम को कट कर दिया है। अब मैं ब्लाउज का कपड़ा ले लेती हूँ। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब बकरम को जो है रखेंगे इस कपड़े के ऊपर, इसके अकॉर्डिंग जितना फैब्रिक यूज़ में आया उतना कट कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने कट कर दिया है। अब बकरम और कपड़े को एक बराबर रख लेते हैं। इसको थोड़ा आयरन कर लीजिएगा तो ये देखिए एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो जाएगा, फिर स्टिच कर दीजिएगा। तो मैं गले के साइड से स्टिच कर लेती हूँ। अब देखिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट करके निकाल दीजिएगा, जैसे मैं कट करके देखिए निकाल दी एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब इस पर मैं अस्तर रखूँगी। तो मैंने थोड़ा सा अस्तर देखिए जॉइंट करके बनाया हुआ है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं, क्योंकि इस पर हमें आगे के साइड से पाइपन करना है तो ये दिखेगा नहीं आप चाहे जो अस्तर यूज़ किए हो। देखिए मैं इस पर पहले अच्छे तरीके से पूरा अस्तर नीचे के साइड से मैं लगा रही हूँ, ऐसे आप भी लगा लीजिएगा। अब दोनों साइड से मैं अस्तर को स्टिच करूँगी। एक साइड से मैंने स्टिच कर ही लिया है, अब दूसरे साइड से देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ अस्तर को। तो मेरा देखिए अस्तर दोनों साइड से स्टिच हो चुका है। एक्स्ट्रा जो है उसको मैं कट करके निकाल देती हूँ। एक साइड से निकाल दिया, दूसरे साइड से भी अच्छे से निकाल दीजिएगा।
ये देख लीजिए, ये मैंने बना लिया है गले में जो है अंदर की डिज़ाइन डालने के लिए। अब मैं इसमें पाइपन करने के लिए ये कपड़ा ली हूँ, इसको मैं देखिए क्रॉस कटिंग कर रही हूँ, इससे ये कपड़ा स्ट्रेचबल रहेगा। तो ये मैंने कट कर दिया, अब इसको मैं डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेती हूँ, तो मुझे पाइपन बनाने में आसानी रहेगी। तो ये देख लीजिए, मैंने इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर दिया है। मैं ब्लाउज का जो डिज़ाइन मैंने अभी बनाया है डालने के लिए गले में, उसके जो है गले के साइड से मैं पाइपन कर रही हूँ। तो एक ही साइड से मुझे पाइपन करना है और आपको भी सेम ऐसे ही एक ही साइड से करना है। तो पहले देखिए मैं इसको स्टिच कर रही हूँ गले के साथ में, फिर इसको मैं गोल करके पाइपन बनाऊंगी। देखिए जहाँ से मैंने कॉर्नर दिया था थोड़ा सा वी से, वहाँ से कट लगा लीजिएगा तो आपको पाइपन करने पे जो है वो उस जगह से वी शेप में आ जाएगा। तो देखिए मैं गोल करके पाइपन बना रही हूँ, ऐसे आप भी बनाइएगा। ये देखिए यहाँ से मैंने कट किया था, तो ये देखिए मेरा वी शेप में वहाँ से डिज़ाइन आ चुकी है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ आप भी कट कर लीजिएगा वहाँ पे। ये देख लीजिए मेरा ये कंप्लीट है डिज़ाइन। अब इस पर मुझे कुछ डिज़ाइन बनाने हैं, तो ये मैंने स्क्वायर साइज के कपड़े लिए हैं। अब इसको मैं आपको डिज़ाइन बना के वीडियो में दिखा रही हूँ, देख लीजिए मैं कैसे डिज़ाइन बना रही हूँ इसको। तो जिस तरीके से मैं आपको डिज़ाइन बना के दिखा रही हूँ सेम ऐसे ही आपको बनाना है, और ये डिज़ाइन बहुत ही ईजी है। एक देखिए मेरा कंप्लीट है, इसी तरीके से मैं दूसरा आपको बना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए मेरा दूसरा भी बन चुका है, बस धागे की सहायता से इसको बांध लेंगे। तो मैंने दोनों डिज़ाइन को कम्प्लीटली बना लिया है। अब थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा फैब्रिक उसको कट करके निकाल दीजिएगा। अब इसी तरीके से मैंने बहुत सारे डिज़ाइन बना के देखिए रखे हुए थे। अब चलिए मैं आपको इसको कैसे स्टिच किया जाएगा ब्लाउज के साथ वो दिखाती हूँ। तो देख लीजिए जो मैंने अभी गले में डालने के लिए डिज़ाइन को बनाया हुआ था उसको मैंने ले लिया है, और 1.2 इंच पे हम इस पर मार्क कर देंगे। तो देखिए वीडियो में आपको दिख रहा होगा मैं कैसे मार्क कर रही हूँ, तो गले पे इस तरीके से मार्क कर लेंगे। तो मैंने देखिए मार्क कर दी है। अब चलिए मैं आपको इस पर डिज़ाइन को स्टिच करके दिखाऊंगी कैसे डिज़ाइन को स्टिच किया जाएगा, कैसे ब्लाउज का डिज़ाइन बनाया जाएगा। तो एक एक करके हम डिज़ाइन जो भी बनाए हुए हैं उसको इस डिज़ाइन के ऊपर स्टिच कर देंगे, जो मैंने भी गले में पट्टी बना डालने के लिए बनाया उसके ऊपर देखिए मैं स्टिच कर रही हूँ। तो मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ वो भी देख लीजिए। तो बीच से मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ। तो ये देख लीजिए कम्प्लीटली मैंने पूरे डिज़ाइन को लगा के पट्टी के साथ में स्टिच कर दिया है। अब चलिए मैं आपको इसको ब्लाउज के साथ ज्वाइन करके दिखाती हूँ। तो मैंने ब्लाउज ले लिया है, अब जहाँ से मैंने डिज़ाइन को स्टिच किया है उसी जगह से सेम मैं ब्लाउज को भी स्टिच कर देती हूँ, तो बिल्कुल बराबर रखती हूँ। चलिए मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। ये तो ये देख लीजिए, ये मैंने डिज़ाइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टिच कर दिया है ब्लाउज के साथ में। अब चलिए हम इसे थोड़ा सा दूर से एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो देख लीजिए वीडियो में मैं कैसे सिलाई लगा रही हूँ इस पर, इसी तरीके से आप भी लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने डिज़ाइन को कम्प्लीटली ब्लाउज के साथ स्टिच कर दिया है। अब जो मैंने डिज़ाइन बनाई हुई है इस पर मैं मोती लगाऊंगी। तो देखिए मैंने गोल्डन कलर की छोटी वाली मोती ले ली है।
अब मैं पूरे डिज़ाइन पे इसको स्टिच कर देती हूँ। नीडल के साथ ऐसे मुझे इस मोती को लगाना है डिज़ाइन पे, तो वीडियो में देख लीजिए मैं कैसे मोती को इसके साथ में लगा रही हूँ। तो ये देख लीजिए मेरा लास्ट मोती है। इसी तरीके से जैसे मैंने इतने सारे लगाए हैं, पूरे डिज़ाइन पे मोती देखिए मैंने लगा लिया है। और मेरी ब्लाउज डिज़ाइन देख लीजिए कितनी ब्यूटीफुल दिख रही है। अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने चैनल पहली बार विजिट किया है प्लीज़ लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी कोई डिज़ाइनर ड्रेस या ब्लाउज को परचेज करने के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।